नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा की, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के ऊपर मैंने जब कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, जब स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा था और आप अपने शेयर सेल नहीं कर पा रहे थे, तब मैंने आपको याद होगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मैंने आपसे कहा था कि ये 2.5 रुपए तक तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा, और अगर उसके नीचे जाता है तो वहां पर एक बार वापस आपको कमबैक करते हुए दिखाई देगा, जो कि 2 रुपए के करीब से आपको पहले ही बताया था ये कमबैक करते हुए दिखाई देगा। और इसने वापस जो बाउंस बैक किया है वो 2.5 रुपए से ही किया है, लगभग 2.51 रुपए के करीब से इसने कमबैक किया है। और वहां से अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक ने अभी 18% से ज्यादा की रैली वहां से दे दी है। आज भी स्टॉक आपको अपर सर्किट में दिखाई दे रहा है और 3 रुपए करीब इसका प्राइस फिर से पहुंच चुका है। अब जीटीएल इंफ्रा के ऊपर बात करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपके फायदे की बात है। देखिए दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है और इस स्टॉक की बात करें तो ये बहुत लंबे समय से पेनी स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि आज है। और ये प्राइस इसका 2021 के टाइम पर भी ये 3.60 रुपए के करीब गया था, और उसके बाद देखें तो इसने कई साल आपको वेट कराया और उसके बाद उस प्राइस को वापस टच किया, और इस बार ये 4 रुपए के ऊपर गया, लेकिन वहां से वापस गिरावट बनी और 2.5 रुपए से फिर से इसने कमबैक किया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, पहली चीज, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है बहुत लो प्राइस से किया है, जैसे 1 रुपए 1.5 रुपए के करीब से, तब तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पैसा यहां पर बने, मतलब आपने जो अमाउंट लगाया उसको विड्रॉल जरूर करिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाह रहे हैं तो अगर आपने इतना पैसा ही लगाया है जो अगर आपका चला भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, तो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। पर अगर आपने इसमें लाखों रुपए लगाए हैं या आपने पोर्टफोलियो का बहुत सारा हिस्सा इसी में लगा दिया है, तो दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर टोटली तौर पे हमें जो दिखाई देता है वो है ऑपरेटर्स का गेम, और ऑपरेटर्स यहां पर आपका पैसा चूसने के लिए ही बैठे हैं, आपको नुकसान देने के लिए ही बैठे हैं। तो इसलिए ऑपरेटर से बच के रहिए, आप अपना टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करिए, इसके अंदर ये मौके मिलते रहेंगे। तो 3.25 रुपए के करीब आप इसमें अपना एक टारगेट बना लीजिए और वहां पर जाकर के थोड़ा अपना क्वांटिटी जरूर कम करिएगा, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो माइनस ना जाए। और अगर आप इसमें इतना ही पैसा लगा के बैठे हैं जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो आप इसे आराम से 4.5 रुपए 5 रुपए तक भी जाने के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें भी दी हैं उस बिहाफ पर भी। पर हम ओवरऑल कंपनी का आकलन कर रहे हैं, तो कंपनी की वजह से ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर आप अभी 4 रुपए के ऊपर तक के लिए रुक सकते हैं अगर थोड़ा लंबा रुकना है, अदरवाइज 3.25 रुपए के करीब में जाकर के आप वहां पर अपना प्रॉफिट थोड़ा बुक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, कुछ जानकारी मिली है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और नहीं मिली है तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को।